अच्छा, जब चाय का इस्तेमाल डॉक्टर्स कहते हैं खाली पेट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए भी जनाब चाय और कॉफ़ी जो है पीना ज़्यादा वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जिनमें ये प्रेगनेंसी के दौरान चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है तो उनके यहाँ जो फिज़िकली थोड़े वीक बच्चे पैदा होने के चांसेस जो हैं या रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। 3 कप चाय या 2 कप कॉफ़ी पीना रोज़ाना कम वज़न यानी कि वेट जो कम वेट के बच्चे होते हैं या अर्ली प्रेगनेंसी की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि चाय के अंदर जो मौजूद कैफीन होती है कॉफ़ी के अंदर वो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें रुकावट बन सकती है, और जो आपकी बेबी को जाना होता है ब्लड उसकी सप्लाई में भी रुकावट बन सकती है। और ये एक रिसर्च की गई 1000 खवातीन पर तो उससे बात साबित हुई कि ज़्यादा कैफीन इस्तेमाल करने वाली खवातीन के बच्चों का वज़न कम अज़ कम 170 ग्राम तक कम हो सकता है। लिहाजा ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान चाय या कॉफ़ी पीना जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जनाब चाय की शौकीन बहुत सारी खवातीन होती हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपने मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना है चाय या कॉफ़ी से।